समझौता नहीं पहल है। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। सुप्रीम पावर न्यूज को मिल रहे आपके स्नेह और प्यार के लिए सुप्रीम पावर न्यूज टीम आपकी आभारी है। तो आइए बने रहे सुप्रीम पावर न्यूज के साथ और देखिए आज की प्रमुख खबरें। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संगठन द्वारा मेडिकल कॉलेज के सामने विभिन्न मांगों हेतु अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन। आज सुबह 9 बजे से परिचारिकाओं का भव्य धरना आंदोलन विभिन्न नारों के साथ। मीनाक्षी बिसेन इनके नेतृत्व में सैकड़ों शासकीय परिचारिका तथा ब्रदर इन्होंने धरना आंदोलन कर शीघ्र मांगे पूर्ण करने की मांग की। प्रमुख मांगों में 4 महीने से पगार बराबर नहीं मिलना, 4 तारीख तक पगार होना चाहिए, अनेक पगार में भत्ता ना देना, काम ज्यादा किया जाता है, अनेक मांगों के लिए ध्यान देने की मांग शासन से की। 4 महिन्यापासून आमचे वेतन सारखे वेतनाला विलंबच होत आहे। अर्ध्या लोकांची सॅलरी नेहमी आम्हाला सांगण्यात येतं की ग्रँड नाही, वरून आम्ही विचारणा केली असता ती ग्रँड अपुरी पाठवतात असं आमच्या ऑफिसवाले जे लोकल लेवलला आहे डिपार्टमेंट त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे। यामुळे असं होत आहे की एका महिन्यात अर्ध्या लोकांची सॅलरी झाली तर दुसऱ्या महिन्यात। महाराष्ट्र परिचर्या मुख्यालय लातूर की तरफ से संलग्न शाखा गोंदिया आज सभी जो परिचारिका है गोंदिया की वो यहाँ पे स्ट्राइक पे उतरी है। तो हमारी जो प्रमुख मांगनियाँ हैं, एक तो है हमारा वेतन का जो बार बार विलंब होता है, दूसरा हमारी है कि जो रिक्त पद है उसके कारण चलते हुए जो स्टाफ को परेशानी होती है वो पूरी करें, और तीसरा है कि जो हमारी स्टाफ। वहीं गोंदिया में भारतीय बौद्ध महासभा सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा पांड्राबोड़ी में राजरतन अंबेडकर द्वारा गौतम बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले का अनावरण। आज सुबह 11 बजे 6 किलोमीटर अंदर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाती राजरतन अंबेडकर पांड्राबोड़ी पहुंचने पर भव्य रैली निकालकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात मूर्तियों का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राजरतन अम्बेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा अनिल जवादे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विवेक जाधव, इंजीनियर नरेश मेश्राम, महेंद्र मेश्राम, हंसराज बाड़गे, चंदूराव राउत, चंद्रशेखर चौहान आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। तुम्ही उभारलेली आहे या प्रतिमेच्या 10 किलोमीटरच्या आसपासच्या रेडियस म्हणजे कळतं तुम्हाला, आजूबाजूच्या परिसरामधनं येणाऱ्या काळामध्ये एक IAS ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर, एक डॉक्टर, एक इंजिनियर निर्माण करण्याचं काम आता तुम्हा लोकांचं असणार आहे। कारण या ठिकाणी तुम्ही साध्या सुध्या माणसाची प्रतिमा उभी केलेली नाही, एका बॅरिस्टरची प्रतिमा या ठिकाणी, ज्यांनी या देशाचं संविधान आणि देशाचंच नाही तर जगातल्या सगळ्यात उत्कृष्ट संविधान या देशाला निर्माण करून दिला अशा महान व्यक्तीची, महाविभूतीची तुम्ही या ठिकाणी प्रतिमा। पर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की खैरलांजी से 2 सूत्रीय मांगों को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल पर ग्राम रक्षक कोटवार संघ, मांगे पूरी नहीं होने पर 22 को भोपाल में आक्रोश रैली। मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार संघ तहसील शाखा द्वारा प्रांतीय समिति के निर्णय के बाद 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिन की क्रमिक हड़ताल की जा रही है। कोटवारों द्वारा जिन 3 मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही उनमें कोटवारों को शासकीय कर्मचारी घोषित करने, यदि इसमें विलम्ब है तो इन्हें कलेक्टर रेट पर पारिश्रमिक दिया जावे, कोटवारों को प्रदाय की गई भूमि को भूमि स्वामी हक होने के स्पष्ट आदेश जारी किए जाए। सभी का कहना है कि आगामी 3 दिनों में यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो 22/10/2021 को प्रदेश के समस्त कोटवारों द्वारा राजधानी भोपाल में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन व आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए खैरलांजी से योगेश कावड़े की रिपोर्ट। आप लोगों का परिचय? मधुकर बाड़माटे कोटवार संघ अध्यक्ष। क्या प्रमुख मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे है, नंबर 1 में है कोटवारों को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, और इसको निलंब है तो कोटवारों को कलेक्टर रेट दिया जाए, और दूसरी मांगे है कोटवारों को जो जमीन मिली है उनको भूमि स्वामी किया जाए। तो ये मांगे आप कब तक के बैठेंगे? अभी 3 दिन तक। और जैसे मांगे पूरी नहीं होती है? मांगे पूरी नहीं तो 22 तारीख को हड़ताल भोपाल में। खबर छत्तीसगढ़ के भानु प्रताप से। आश्रम के बच्चों को गुड टच बैड टच की दी गई जानकारी। आजादी के अमृत महोत्सव के संबंध में कन्या आश्रम बांसला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
जिसमें पैनल अधिवक्ता वनीता सोनी द्वारा बच्चों को गुड टच बैड टच अपहरण मोटर दुर्घटना शिक्षा का सम्मान अधिकार विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में जानकारी तथा पॉम्पलेट वितरण किया गया। बच्चों के सवालों के भी जवाब दिए, जिसमें पीएलवी अरविंद कुमार 35 स्कूली बच्चों शिक्षक उपस्थित थे। सुप्रीम पावर न्यूज़ के लिए भानु प्रताप से हरीश साहू की रिपोर्ट।